ट्रैफिक अपराध इकाई ने लालगंज थानेदार चंद्रभूषण शुक्ला पर बड़ी कार्रवाई की है। शराब धंधेबाज के साथ जुड़े होने के आरोप में थानेदार के छपरा, सिवान समेत अन्य कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। ईओयू के अनुसार उनके आय से 93% अधिक आमदनी पाई गई। 2009 बैच के दरोगा सीबी शुक्ला ने अपनी नौकरी के 11 साल 8 महीने के अंदर अकूत संपत्ति अर्जित की है। मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 2010 में मार्च महीने में बेतिया में इनकी पोस्टिंग की गई। इसके बाद जून 2016 से 2019 तक पूर्वी चंपारण जिले में ये तैनात रहे। यहीं इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक जमीन भी खरीदा है। इसके बाद साल 2019 से अब तक वैशाली जिले में तैनात रहे। आर्थिक अपराध इकाई ने इनके 9 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीवी शुक्ला ने चंपारण और वैशाली जिले में काफी काली कमाई की थी, जिसे म्यूचुअल फंड व कुछ रिश्तेदारों समेत कई अलग अलग रास्तों से ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश में लगे थे। वहीं इस मामले के बाद वैशाली पुलिस कप्तान मनीष ने तत्काल प्रभाव से सीवी शुक्ला को निलंबित कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई से जिले के पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।